बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ मिनाल। और मैं हूँ सारा। आप देख रहे हैं बच्चों का खबरनामा। सबसे पहले आज की एक अच्छी बात। दोस्तों, आप लोग जानते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए हमें रखना चाहिए उनका बहुत ख्याल। और जब भी आप घर से बाहर निकले तो अम्मी जान और अब्बू जान की दुआएं लेकर जाएं। और माँ बाप की दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। और उनकी दुआओं से हमारा दिन अच्छा गुजरता है। और अब आज की हेडलाइन। बेल्जियम के साइंसदानों ने ढूंढा पोल्यूशन को कम करने का हल। स्काई डाइविंग है एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। रशिया में मछलियों को खाने के लिए करनी पड़ती है फाइट। दूध के साथ खजूर खाने के कमाल। और अब खबरें तफसील के साथ। पोल्यूशन है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मगर बेल्जियम के साइंसदानों ने ढूंढ लिया इसको कम करने का हल। जी हाँ, इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो हवा को पोल्यूशन से साफ करता है और साथ साथ ये पोल्यूशन को तब्दील करता है हाइड्रोजन गैस में। और तो और ये इंस्ट्रूमेंट चलता है सोलर एनर्जी से, यानी ना कोई बैटरी और ना कोई खर्चा बिजली का। Inside the gradual oxidation vessel, a reaction occurs at pressure and temperature that destroys contaminants and releases energy in the form of heat. This heat is then used to power a turbine, which spins a generator to create electricity. Dosto, ise kehte hain ek teer se do shikar. Skydiving hai ek interesting activity. Aur hamare dost jo army mein jana chahte hain, unke liye ye activity hai bahut zaruri. अब तो इसके लिए बहुत बड़ा जहाज भी जरूरी नहीं रहा, क्योंकि अब आ गया है स्काई डाइविंग का अनोखा तरीका। जी हाँ, अब एक ड्रोन ले जाएगा स्काई डाइवर को आसमान तक और फिर की जाएगी प्रैक्टिस स्काई डाइविंग की। ये मजेदार ड्रोन इजाद किया है लेटविया के साइंटिस्ट ने। करनी पड़ती है खाना खाने के लिए फाइट। जी हाँ, रशिया के एक इलाके में मछलियों को करनी पड़ती है फाइट खाना खाने के लिए। मछलियों को लगता है डर कि उनका खाना कोई और ना खा जाए, इसलिए उन्होंने शुरू कर दी फाइट एक दूसरे से। कितनी प्यारी है ना, और फाइट करते हुए तो और भी क्यूट लग रही हैं ये मछलियाँ। दोस्तों, दूध के साथ खजूर खाने से हमारे जिस्म में एनर्जी आती है। जी हाँ, खजूर का इस्तेमाल हमें सेहतमंद रखता है। खजूर खाने से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और जिन बच्चों को होती है खून की कमी, वो बच्चे खजूर और दूध का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि खजूर से खून की कमी दूर होती है। दोस्तों, अगर आपके पास है कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़, तो उसे बनाएं बच्चों के खबरनामे का हिस्सा। न्यूज़ का बनाएं अच्छा सा पैकेज। दोस्तों, आप हमें अपने न्यूज़ पैकेजेस नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इंतजार रहेगा आपके न्यूज़ पैकेज का। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। अपना फीडबैक देने के लिए स्क्रीन पर मौजूद ईमेल आईडी पर हमें मेल करें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज बच्चों के खबरनामा पर। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ आज के खबरनामे का वक्त खत्म हो जाता है। बच्चों को बच्चों से बेहतर कौन जान सकता है, तो देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।